शिवपुरी कल्लन शॉप फैक्ट्री के पास वार्ड 23 में नाले का निर्माण न होने के कारण यहां के वार्डवासी 3 साल से हो रहे परेशान। वार्डवासियों का कहना है कि हमने इसकी शिकायत 181 पर भी की, नगर पालिका में भी कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। वार्ड 23 के पार्षद बबलू पठान का कहना है कि इस नाले की फाइल नगर पालिका में 8 महीने से पड़ी हुई है साइन होने के लिए, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने उस फाइल पर साइन नहीं की, जिसके कारण नाला चौक होने के कारण घुटनों घुटनों तक पानी सड़क पर भर जाता है, जिससे जहां से निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द से जल्द नाले का निर्माण नहीं किया गया, सफाई नहीं की गई, तो कभी भी कोई भी आ सकता है। इस नाले की चपेट में कई लोग तो पानी में गिरकर घायल भी हो चुके हैं, कई बुजुर्ग भी इस नाले का शिकार हो चुके हैं। यह नाला वार्ड पार्षद बबलू पठान के घर के सामने है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू खान है। ये जो पानी की समस्या है जहाँ पे नाले की, क्या समस्या है आपकी? इसकी समस्या बहुत है, जनता बहुत परेशान है, करीब 3 साल से 3.5 साल से परेशान है जनता यहाँ की पानी से। 12 महीने ऐसे ही पानी रहता है, जनता निकल नहीं पाती है, पैदल निकलने वाले बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल जाने इतने समय से ऐसी 3 साल से समस्या आया इसकी, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने नगर पालिका में अधिकारियों को सबको अवगत करा दिया है, CMO को अवगत करा दिया है, इससे कोई सुनवाई नहीं है। 8 महीने पहले इसकी फाइल बन गई है, CMO के साहब के पास लटकी हुई है, फाइन नहीं कर रहे हैं उस फाइल। अच्छा, 8 महीने से नगर पालिका में फाइल है और ना वो साइन कर रहे हैं, और हम जाते हैं मिलने उनसे बात करने के लिए, बात तुम्हारी हो नहीं पाती है, फोन उठाती नहीं है, ऑफिस में बैठती नहीं है। अच्छा, और घर जाओ तो मुलाकात मुश्किल से हो पाती है, तो वो बोलते हैं आश्वासन देते हैं यहाँ कर दूंगा, मगर ये करते नहीं है। तो यहाँ के काफ़ी जनता यहाँ परेशान है, मतलब काफ़ी साल बहुत 2-3 साल से परेशान जनता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं, 181 भी लगा दी है, जन सुनवाई भी लगा दी है, जन सुनवाई में भी लगा दी है, जन सुनवाई भी लगा दी है, आवेदन हम आवेदन रखा हुआ जन सुनवाई हमारे पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।